एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो थोड़े दिन पहले मैंने टीवी पर एक एड देखा जिसमें अक्षय कुमार वाज प्रमोटिंग क्यू मैथ। मैंने इसके बारे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसके बारे में काफी सारे देख रखी है चीजें कि ये क्या है, बट एकदम इन ब्रीफ मुझे जाकर के नहीं पता था कि ये होता क्या है। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने गूगल करा क्यू मैथ के बारे में। मैंने काफी लोगों के मुंह से सुना दैट मैथ इज देयर लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट और उन लोगों को मैथ्स पसंद नहीं होता है। दे विश कि मैथ्स कभी सिलेबस में होना ही नहीं चाहिए। इवन बच्चे भी छोटे छोटे, मतलब मैं जो डांस क्लास रन करती थी तो मेरे क्लास में 90% जो बच्चे होते हैं वो सब मैथ्स नहीं पसंद है, दीदी मैथ्स नहीं पसंद है, ऐसे बोलते रहते थे। हमेशा सोचती थी मैथ्स को समझने का कोई और बेटर वे होना चाहिए, क्योंकि जिस पेन एंड जिस तरह के मेथड से हम लोगों ने पढ़ा है वो समटाइम्स थोड़ा बोरिंग हो जाता था। उसमें अटेंशन ग्रैब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था टीचर्स को। अंटिल अनलेस अगर टीचर इंटरेस्टिंग नहीं है तो आप ये समझ लो कि मैथ्स तो आपको मजा आने ही नहीं वाला है। तो आई एम श्योर कि कुछ मैथ्स समझवाने के लिए कुछ कस्टमाइज्ड एंड अच्छा इंटरेस्टिंग वर्जन होना चाहिए। तो जब मैंने क्यू मैथ को गूगल करा तब मुझे इसके बारे में पता चला काफी सारी चीजें जो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो क्यू मैथ एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि स्पेशली बना गया है फॉर केजी के स्टूडेंट से लेकर के 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें जो विजुअल सिमुलेशन टेक्निक यूज करी है, जो मेथोडोलॉजी यूज करी है, वो देख करके मजा आ गया था मुझे। तो आज के वीडियो में मैंने सोचा है कि मैं जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है क्यू मैथ पर उनका आंसर देने वाली हूँ। सो दिस वीडियो इज आल्सो गोइंग टू बी इन द कोलैबोरेशन विद क्यू मैथ। तो इस क्यू एंड ए से आप लोगों को भी काफी इजी होगा समझने में कि एक्चुअली में क्यू मैथ होता क्या है। अगर आपके बच्चे हैं छोटे, जिसमें से मेरी काफी सारी ऑडियंस ऐसी है जिन सबके छोटे छोटे किड्स हैं, तो अगर आपके किड हैं घर में या आप खुद 12th क्लास के स्टूडेंट हैं या आपके कोई रिलेटिव हैं, आप उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सबसे बेसिक सा क्वेश्चन की, बेसिकली व्हाट इज क्यू मैथ प्रोग्राम। क्यू मैथ एक तरह का आफ्टर स्कूल ऑनलाइन मैथ एंड कोडिंग प्रोग्राम है फॉर केजी टू 12th ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, दे टैप इनटू एवरी चाइल्ड्स नेचुरल मैथ एंड कोडिंग पावर। क्यू मैथ अभी करेंटली प्रेजेंट है 20+ कंट्रीज में। उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो काफी ज्यादा यूनिक अप्रोच के साथ है, दैट कंबाइंस 1:1 एंड ग्रुप इंस्ट्रक्शंस विद एंगेजिंग पजल्स एंड साथ ही साथ इंटरैक्टिव विजुअल्स यूज करते हैं टू टीच मैथ एज अ लॉजिक। तो ये एक तरह का सेल्फ पेस्ड करिकुलम है which keeps each student learning pace in mind. Now next question आते हैं, why QMath is a good program? तो QMath में बच्चों को understand कराया जाता है reason and साथ ही साथ logic, जो भी उनको maths का problem आता है उसको attempt करने से पहले उनको ये चीज समझाया जाता है कि इसके पीछे का logic क्या है, इसके पीछे का reason क्या है, इसके पीछे वो लोग unique technique of teaching use करते हैं। तो QMath makes the student ask why over what. तो next question जो है, I'm sure आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या हर बच्चा maths में अच्छा हो सकता है QMath में? तो सारे बच्चे जो है वो मैथ्स में एक्सेल कर सकते हैं अगर उनको अच्छा गाइडेंस दिया जाए बाय अ टीचर। 3 से 6 महीने का टाइम इज यूजुअली सफिशिएंट फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अच्छा करने के लिए, जैसा वो कर रहे थे उससे बेटर करने लगते हैं, एंड समटाइम्स इट मे एक्सटेंड टू 6 to 9 मंथ्स एज वेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई शुड आई एनरोल माय चाइल्ड इन क्यू मैथ, उस टाइम पर हम उनको अदर एक्टिविटीज में एनरोल करा सकते हैं। तो क्यू मैथ की जो क्लासेस है वो पहली बात तो जो नॉर्मल क्लासेस होती हैं स्कूल टाइप का होता है वैसा फील नहीं कराता है, कोई काम की तरह फील नहीं करवाता है। उन लोगों ने इस तरीके से डिजाइन करके रखा हुआ है दैट वो लोग काफी ज्यादा एंगेजिंग तरीके से बच्चों को चीजें सिखाते हैं, लाइक पजल्स होते हैं उसमें, एक्टिविटीज होती है, फन होता है, दैट मेक देम फॉल इन लव विद मैथ्स बिना उनके सर पे ये प्रेशर दिए हुए कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा बच्चा ऑलरेडी 100% स्कोर कर रहा है कंसिस्टेंटली, तो क्यों हम क्यू मैथ में एनरोल करें। यूजुअली जो हमारा स्कूल सिस्टम है एंड ट्रेडिशनल नोशन ऑफ मैथमेटिक्स है ये लिमिटेड है मैथ कंसेप्ट का, मतलब ये ना पहले से प्रेस्क्राइब्ड है, हर एक ग्रेड के हिसाब से उसको उस तरीके से पढ़ाया जाता है। लेकिन जो क्यू मैथ प्रोग्राम है वो कवर करता है काफी सारे डोमेन को, जैसे कि मैथ कंसेप्ट, कोडिंग, एप्टीट्यूड, क्रिएटिव रीजनिंग एक्सेट्रा। एक्चुअली इंश्योर्स होलिस्टिक लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट। ये आपके बच्चे के लिए लॉन्ग रन में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा जब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेगा या स्कूल एग्जाम की तैयारी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम श्योर हो सकता है, हाउ डज क्यू मैथ हेल्प अ चाइल्ड हु इज ऑलरेडी गुड एट मैथ। सो अ चाइल्ड इज कंसिडर्ड गुड एट मैथ जब वो स्कूल में बहुत अच्छी तरीके से स्कोर करेगा, तभी हम बोलेंगे हाँ हाँ ये मैथ्स में अच्छा है, अगर उसके मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो। बट ये एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं है किसी भी बच्चे की मैथ एबिलिटी का। काफी सारे स्टूडेंट स्कोर करते हैं 95-100% इन देयर मैथ्स, बट उनको बेसिक मैथ की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी क्लियर नहीं होते हैं। तो क्यू मैथ में आपके बच्चे को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है टू एनालाइज टॉपिक्स जिनमें वो ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, एंड अगर उस बच्चे का फंडामेंटल्स ऑलरेडी
फर्टिलिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बेसिक्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है. तो फिर उसका जो प्रोग्राम होता है वो फोकस करता है एडवांस कंसेप्ट्स पे विद इंक्रीजिंग डिफिकल्टी लेवल, ओलंपियाड एक्सेट्रा, इन सबके प्रेपरेशन एंड इन सबके कंसेप्ट के ऊपर. मतलब थोड़ा एडवांस हो जाता है लेवल. फर्दर मोर चिल्ड्रन हु आर यू नो गुड एट मैथ्स एक टाइम के बाद अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं. रीजन बिहाइंड दैट इज कि स्कूल में उनको उस तरीके से यू नो चैलेंजेस नहीं मिलते हैं. तो क्यू मैथ में स्टूडेंट्स को कॉन्स्टेंटली चैलेंजेस दिए जाते हैं लाइक पजल्स के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू उनको एंगेज रखा जाता है एंड साथ ही साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं पूरा कंसेप्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज क्यू मैथ हेल्प अ चाइल्ड हु हेट्स मैथ. तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो बच्चा है वो कैसे, क्यों मैथ को इतना ज्यादा हेट करता है. या तो ये कि उसको फंडामेंटल बेसिक्स जो है वो क्लियर नहीं है, इसलिए उसको मजा ही नहीं आता है मैथ्स करने में. जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाया गया है वो बिल्कुल भी उसको, मतलब उसकी वजह से वो डिसइंटरेस्टेड हो गया है. क्यू मैथ एम्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मैथ फाउंडेशन. बच्चे को वो हेल्प करता है कंसेप्चुअली लर्न करने का, इंस्टेड ऑफ उसको यू नो रट्टा करवाना, मेमोराइजेशन करवाता है ना, याद करवाना होता है, वैसा नहीं करवाता है. तरीके से आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोज को देख करके स्विम करना नहीं सीख सकते हो, उसी तरह से आप अपनी टीचर को देखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैथ्स नहीं सीख सकते हो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज क्यू मैथ बेटर देन होम ट्यूशन. तो होम ट्यूशन में तो देखो यूजुअली क्या बताया जाता है, हम सबको ये चीज पता है, होमवर्क्स कंप्लीशन में ध्यान दिया जाता है, पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी के लिए बस वो रेक्टिफिकेशन करवाया जाता है समटाइम्स. कुछ भी नया सिखाने के लिए बहुत कम फोकस किया जाता है. दैट इज बेसिकली पूरा जो स्कूल का सिलेबस है, जो स्कूल की चीजें हैं, उसी पे ही, उसी को ही कंप्लीशन करने में फोकस रहता है. क्यू मैथ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम होम ट्यूशन एंड व्हाई इट इज बेटर, बिकॉज इसमें बच्चे का बेसिक फंडामेंटल क्लियर किया जाता है. यहाँ पर जो करिकुलम है इज डिलीवर्ड विद अ स्ट्रक्चर्ड फैशन. यहाँ के जो टीचर्स है वो बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट किए जाते हैं, दे अंडरगो रिग्रेस ट्रेनिंग एज वेल. तो जैसे कि होम ट्यूशन होता है जिसमें कोई यू नो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो नहीं होता है, प्री डिफाइंड नहीं होता है कि हम इतने बच्चों को ही लेंगे. अनलाइक क्यू मैथ में क्या होता है, हर टीचर के पास सिर्फ 7 to 8 स्टूडेंट्स ही रहते हैं. दिस हेल्प्स टीचर टू गिव इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू बी सो श्योर दैट माई चाइल्ड विल लव मैथ और क्यू मैथ. जो ये क्यू मैथ है ये मैथ को बहुत ज्यादा रिलेटेबल एंड फन बना लेता है. इंटरेक्टिव सिमुलेशन होते हैं दैट इंक्लूड्स रियल लाइफ प्रॉब्लम, यू नो बच्चों को काफी रिलेटेबल हो जाता है, उनको काफी मजा आता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विल माई चाइल्ड डू बेटर इन एग्जाम आफ्टर क्यू मैथ. तो एग्जाम में हाई स्कोर करना एक तरह का शॉर्ट टर्म गोल है. मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी सारे जितने भी एक्सरसाइज होते हैं उनको याद रखते हैं एंड उसके थ्रू वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं एग्जाम में. क्यू मैथ में बच्चों को मैथ एज अ लाइफ स्किल पढ़ाया जाता है. क्यू मैथ फोकस ऑन लर्निंग एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल. ये लोग बिलीव करते हैं कि अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा बच्चा को तो वो डेफिनेटली एग्जाम्स में हायर स्कोर करेगा ही करेगा. द विजन इज टू ट्रांसफॉर्म योर चाइल्ड इनटू अ फ्यूचर प्रॉब्लम सॉल्वर. आई गेस ये जो क्यू मैथ है काफी कुछ आपको हेल्प किया होगा क्यू मैथ के बारे में काफी कुछ समझने में एंड काफी सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. आई विश आई न्यू अबाउट दिस प्रोग्राम जब मैं स्टडी कर रही थी, तो मैं खुद पढ़ रही थी तो मजा ही आ जाता मैथ्स करने में. तो काफी अच्छा लगा एंड आई विल रेकमेंड टू ऑल दोज पेरेंट्स जिनके बच्चों को मैथ एज अ फोबिया लगता है, आप क्यू मैथ से उनको डेफिनेटली उनका जो फोबिया है वो दूर करवा सकते हैं. क्यू मैथ आपके बच्चे का एनालिटिकल स्किल तो स्ट्रॉन्ग करेगा ही करेगा, साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगा. यू कैन ऑल्सो ट्राई देयर यू नो फ्री डेमो क्लास बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगी. सो डू लेट मी नो आप क्या करने वाले हैं आपके बच्चे के लिए एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो. अगर हेल्पफुल लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन. एंड अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं, आपकी सिस्टर के बच्चे हैं, भैया के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, या आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, अगर आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं तो डेफिनेटली उनको रेकमेंड करिएगा. सो दैट्स इट फॉर माय वीडियो. आज का जो वीडियो है मैं यही खत्म करती हूँ. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.